वेलकम टू योर चैनल द फिजियो वर्ल्ड। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोथेरेपी के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में, एंड इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे स्पेशल इक्विपमेंट फॉर हाइड्रोथेरेपी के बारे में, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यूजेस एंड सेफ्टी के बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पेशल इक्विपमेंट फॉर हाइड्रोथेरेपी। सो हाइड्रोथेरेपी के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो यूज़ होते हैं। सो दीज आर कॉलर्स, रिंग, बेल्ट्स एंड वेस्ट्स, एंड और भी है जो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सो फिलहाल हम कॉलर की बात करते हैं, रिंग्स की, बेल्ट्स की और वेस्ट की। इन सब की डायग्राम्स और पिक्चर्स राइट साइड में स्लाइड के प्रेजेंट हैं, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो इक्विपमेंट डिज़ाइन टू असिस्ट विद पेशेंट पोजिशनिंग बाय प्रोवाइडिंग बायोन्सी। असिस्टेंस कैन बी अप्लाइड टू नेक, एक्सट्रीमिटीज़ और ट्रंक। सो ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो पेशेंट को पोजिशन करने में हेल्प करते हैं थ्रू बायोन्सी देकर, ठीक है, एक अपवर्ड थ्रस्ट देकर। सो इस तरह से जो ये इक्विपमेंट्स हैं या नेक में पहना देते हैं पेशेंट्स को, या एक्सट्रीमिटीज़ में या ट्रंक में, सो उस तरह से वो हेल्प करते हैं। इनफ्लेटेबल सर्वाइकल कॉलर्स आर यूज्ड फॉर द सुपाइन पेशेंट टू सपोर्ट द नेक एंड मेंटेन द हेड आउट ऑफ वाटर। सो राइट साइड में येलो कलर का ये इनफ्लेटेबल सर्वाइकल कॉलर्स होते हैं। सो ये पेशेंट को सीधे लेटने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं नेक को, और हेड को पानी से बाहर रखने में हेल्प करते हैं। फ्लोटेशन रिंग्स, अब राइट साइड में ही एक ब्लू कलर की रिंग्स हैं। सो वो बहुत सारे साइजेस में आते हैं, और जो पानी में डूबे हुए एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनको सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो अपर लिम्ब हो गया चाहे लोअर लिम्ब हो गया। सो ऑफन द रिंग्स आर यूज्ड एट द रिस्ट एंड एंकल्स ड्यूरिंग मैनुअल टेक्निक टू असिस्ट विद पेशेंट पोजिशनिंग इन रिलैक्सेशन। और ये पेशेंट को असिस्ट तो कर ही रहा है, देन रिस्ट और एंकल्स में भी पहना देते हैं, जो राइट साइड में ऊपर की तरफ को जो रिंग्स दिख रही हैं तो उनकी बात हो रही है, और वो पेशेंट को पोजिशन में भी हेल्प करते हैं प्लस रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करते हैं। बेल्ट्स एंड वेस्ट्स, सो राइट साइड में अगर नीचे को दो डायग्राम देखेंगे, एक बेल्ट है और एक वेस्ट है। सो वो यूज़ होते हैं पेशेंट को सीधे लेटने में, उल्टा लेटने में या स्ट्रेट खड़े होने में, फॉर शैलो एंड डीप वाटर एक्टिविटीज़। उन पानी में जो ज़्यादा गहरा नहीं है या फिर जो ज़्यादा गहरा है, दोनों में ही ये बेल्ट्स और वेस्ट हेल्पफुल रहते हैं पेशेंट को सीधे होके लेटने में, उल्टे होके लेटने में या नॉर्मली खड़े रहने में। सो बेसिकली ये इक्विपमेंट्स भी बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट इज स्विम बार्स। सो बायोन्ट डंबल्स और स्विम बार्स को बायोन्ट डंबल्स भी बोलते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे। ये शॉर्ट और लॉन्ग लेंथ में अवेलेबल होते हैं। दे आर यूजफुल फॉर सपोर्टिंग द अपर बॉडी और ट्रंक इन अपराइट पोजीशंस एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज इन सुपाइन और प्रोन पोजीशंस। सो ये सपोर्ट करते हैं अपर बॉडी को, ट्रंक को सीधे लेटने में और खड़े रहने में हेल्प करते हैं, एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को भी सपोर्ट करते हैं सीधे लेटने में या फिर उल्टे लेटने में। पेशेंट्स कैन बैलेंस ऑन लॉन्ग स्विम बार्स इन डीप वाटर टू चैलेंज बैलेंस, प्रोप्रोसेप्शन एंड ट्रंक स्ट्रेंथ। सो जो स्विम बार्स है वो डीप वाटर में हेल्प करेगा बैलेंस को इम्प्रूव करने में, प्रोप्रोसेप्शन मीन्स जॉइंट पोजिशन उसको बेटर करने में, एंड ट्रंक की स्ट्रेंथ को भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में ये हेल्प करता है। ग्लव्स, हैंड पैडल्स एंड हाइड्रोटोन बॉल्स। सो इन सब के डायग्राम्स नीचे दे रखे हैं स्लाइड में। सो रेजिस्टेंस टू अपर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट्स इज अचीव बाय अप्लाइंग वेब्ड ग्लव्स और प्रोग्रेसिवली लार्ज पैडल्स टू द हैंड्स। सो राइट साइड में आप देख रहे होंगे वेब्ड ग्लव्स हैं। ये सब जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं
एंड दीज डिवाइसेज आर नॉट बायोन्ड. ये बायोन्ड नहीं है, कोई भी अपवर्ड थर्स्ट नहीं लगाएगा, बॉडी को बायोन्सी नहीं देगा, ठीक है. एंड देयरफॉर ओनली रेजिस्ट मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. और जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ही रेजिस्टेंस मूव कर प्रोवाइड करेगा. हाइड्रोटोन बेल्ट आर लार्ज स्लॉटेड प्लास्टिक डिवाइसेज दैट इंक्रीज ड्रैग ड्यूरिंग अपर एक्सट्रीमिटी मोशंस. सो ये येलो कलर में आप नीचे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे. सो दीज आर हाइड्रोटोन बेल्ट जो कि ड्रैग इंक्रीज करते हैं. ओके एंड द बेल्ट जनरेट सब्सटेंशली मोर रेजिस्टेंस देन ग्लव्स और हैंड पैडल्स. ग्लव्स और हैंड पैडल्स से ये ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर्ड. सो पेशेंट एक्सरसाइजिंग इन वाटर यूजिंग हैंड हेल्ड डिवाइसेस टू इंक्रीज द फ्रंटल एरिया एंड दस इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द वाटर. सो ये फ्रंटल एरिया में सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं जो हैंड हेल्ड डिवाइस इस पेशेंट ने यूज़ किया है. और रिजल्ट इसमें ये है कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वाटर में मूवमेंट्स के अपोजिट में. सो नेक्स्ट इज फिन्स एंड हाइड्रोटोन बूट्स. द एप्लीकेशन ऑफ फिन्स और हाइड्रोटोन टू द फीट ड्यूरिंग लोअर एक्सट्रीमिटी मोशंस जनरेट्स रेजिस्टेंस बाय इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया मूविंग थ्रू द वाटर. सो हमें पता है कि अगर सर्फेस एरिया वाटर का हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. सो जो फिन्स हैं और जो हाइड्रोटोन बूट्स हैं ये बेसिकली रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं एंड हेल्प कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं थ्रू चैलेंजिंग हिप नी एंड एंकल स्ट्रेंथ. एंड हाइड्रोटोन बूट्स आर मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग डीप वाटर वॉकिंग एंड रनिंग. और जो हाइड्रोटोन बूट्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जब डीप वाटर वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं. तो नेक्स्ट इज किक बोट्स. सो लेफ्ट साइड में बहुत सारे किक बोट्स हैं. So the shapes and styles of kickboards are vary extensively among manufacturers. So इसके different shapes और sizes होते हैं. Kickboards may be used to provide buoyancy in the prone or supine positions. और ये buoyancy provide करते हैं patient को supine में या prone में. Create resistance to walking patterns in shallow water when held vertically. और यूज़ टू चैलेंज सीटेड नीलिंग और स्टैंडिंग बैलेंस इन डीप वाटर. तो शैलो वाटर में जब राइट साइड में अगर आप देख रहे होगे शैलो वाटर में वर्टिकली प्लेस कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है. और डीप वाटर में ये स्टैंडिंग बैलेंस या फिर नीलिंग के टाइम पे बैलेंस या बैठने के टाइम पे बैलेंस इन सब बैलेंस को चैलेंज करने में हेल्प करता है. ओके सो नेक्स्ट इज टेम्परेचर रेगुलेशन. सो अ पेशेंट्स इम्पेयरमेंट एंड द इंटरवेंशन गोल्स डिटरमाइन द वाटर टेम्परेचर सिलेक्शन. सो पेशेंट को किस टाइप का इंटरवेंशन देना है, पेशेंट के लिए गोल्स क्या हैं, उस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर सिलेक्शन. इन जनरल यूटिलाइज कूलर टेम्परेचर फॉर हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइज एंड यूटिलाइज वार्मर टेम्परेचर्स फॉर मोबिलिटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी एक्सरसाइज फॉर मसल रिलैक्सेशन. सो जनरली जो कूलर टेम्परेचर है उनको यूज़ करना चाहिए हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने के लिए और जो वार्मर टेम्परेचर है उसको मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज के लिए और मसल रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करना चाहिए. जनरली यूज़ अ मैक्सिमम इमर्जन टाइम ऑफ 20 मिनट्स फॉर पेशेंट विद नॉन कॉम्प्रोमाइज कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम्स. सो ऐसे पेशेंट्स जिनका जो कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम है वो अफेक्टेड नहीं है तो उन पेशेंट्स में 20 मिनट्स पानी में इमर्जन यूज़ कर सकते हैं. बट बिगिन विद 10 मिनट सेशन एंड इंक्रीज द टाइम एज टॉलरेटेड. बट स्टार्ट 10 मिनट सेशन से करेंगे एंड देन धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज करेंगे. ऑलवेज मोनिटर वाइटल साइंस टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी. और हमेशा वाइटल साइंस को मोनिटर करते रहना चाहिए ताकि हम पेशेंट की सेफ्टी देख सकें. जनरली वाटर टेम्परेचर्स बिटवीन 36 degrees Celsius एंड 37 degrees Celsius आर कंसिडर्ड हाई एंड बिटवीन 26 degrees Celsius एंड 35 degrees Celsius आर कंसिडर्ड लो.
इन एडिशन टू द फॉलोइंग गाइडलाइंस द पेशेंट फिटिक फैक्टर नीड्स टू बी कंसिडर्ड. सो हाई टेम्परेचर्स बोल रहे हैं 36 एंड 37 डिग्री सेल्सियस को और 26 से 35 डिग्री सेल्सियस को लो टेम्परेचर कंसिडर कर रहे हैं. एंड गाइडलाइंस के फॉलोइंग द पेशेंट के जो फटीग फैक्टर है कि पेशेंट जो है वो थक जल्दी रहा है या कौन सी वजह से वो पेशेंट जल्दी थक रहा है, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है. हाई टेम्परेचर आर रिकमेंडेड फॉर पेशेंट्स विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्सेप्ट इन द एक्यूट स्टेज. ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में, एक्सेप्ट अगर जो एक्यूट कंडीशन है पेशेंट की रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तब लोअर टेम्परेचर्स आर रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विद स्पास्टिसिटी और फॉर दोज हुज इमर्जन टाइम लास्ट 20 to 45 minutes. सो लोअर टेम्परेचर यूज़ करनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको स्पास्टिसिटी है या फिर जिनका इमर्जन टाइम 20 to 45 minutes रहता है. फॉर जनरल फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग, गेट ट्रेनिंग एंड रिलैक्सेशन द रेंज मे बी बिटवीन 26 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस. तो फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग, गेट ट्रेनिंग, रिलैक्सेशन के लिए जो रेंज है वो 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होगी. कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग एंड एरोबिक एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म्ड इन वाटर टेम्परेचर्स बिटवीन 26 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस. सो 26 टू 28 डिग्री सेल्सियस के बीच है कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग एंड एरोबिक एक्सरसाइज के लिए ये यूज़ किया गया है वाटर टेम्परेचर. सो नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी. अब हम हाइड्रोथेरेपी के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे. सो क्लिनजिंग इफेक्ट्स, सो इन रिहेबिलिटेशन इट्स क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज आर मोस्ट ऑफ यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ओपन वाउंड्स इन विच एरियाज ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज आर एक्सपोज एंड द स्किन इज नो लॉन्गर इंटैक्ट. सो ऐसे ओपन वाउंड्स जहाँ पे स्किन इंटैक्ट नहीं है और जो स्किन से नीचे का जो टिश्यू है सबक्यूटेनियस टिश्यू वो एक्सपोज है, तो वहाँ पे जो हाइड्रोथेरेपी है वो क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है. इन दिस सर्कमफ्रेंस द हाइड्रेटिंग इफेक्ट्स एंड फ्रिक्शन ऑफ वाटर आर यूज टू सॉफ्टन एंड रिमूव डेब्रिस दैट इज़ लॉग्स इन अ वाउंड और एडहेरेंट टू द टिश्यू. तो टिश्यू में जो भी वूंड है या लॉज हो रखा है या फिर डेब्रिस है, सो वो हटाने के लिए सो वाटर के हाइड्रेटिंग इफ़ेक्ट्स यूज़ होते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो सके, एंड फ्रिक्शन यूज़ होता है वाटर का ताकि वो रिमूव कर सके जो भी डेब्रिस है. देन वाटर इज़ यूज क्लिनिकली बोथ एज अ डेब्राइडिंग एजेंट टू रिमूव एंडोजेनस डेब्रिस सच एज वूंड एक्सुडेट और नेक्रोटिक टिश्यू जो भी हमने बात की, एंड एज अ क्लिनजर टू रिमूव एक्सोजेनस वेस्ट सच एज अडहर्ड ड्रेसिंग मटीरियल्स एंड टू रिड्यूस बैक्टीरियल बर्डन. सो बेसिकली जो भी वूंड डेब्रिस है, नेक्रोटिक टिश्यू है या फिर अडहर्ड ड्रेसिंग मटीरियल्स हैं या बैक्टीरिया है, तो इन सबको रिमूव करने के लिए ये हेल्प होता यूज़ होता है. एंटी माइक्रोबियल्स और सर्फेक्टेंट्स कैन बी एडिड टू वाटर टू इंक्रीज इट्स क्लिनजिंग पावर. सो वाटर में हम एंटी माइक्रोबियल्स या फिर सर्फेक्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि क्लिनजिंग पावर और इम्प्रूव हो सके वाटर की. मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट्स, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट्स. द बायोंसी ऑफ वाटर अनलोड्स वेट बियरिंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स एंड दस कैन अलाउ पेशेंट्स विद लोड सेंसिटिव जॉइंट्स टू परफॉर्म एक्सरसाइजेस विद लेस ट्रॉमा एंड पेन. सो जो बायोंसी है वाटर की वो यूज़ होती है वेट बियरिंग को अनलोड करने में, मतलब जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो भी लोड आ रहा है उसको अनलोड करने में, और ये अलाउ करता है पेशेंट को लोड सेंसिटिव जॉइंट्स को जो कि एक्सरसाइज कर सके अच्छे से विद कम पेन और कम ट्रॉमा के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल एट 75% इमर्जन वेट बियरिंग ऑन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ इज़ रिड्यूस बाय 75%.
अगर बॉडी में 75% इमर्जन होगा तो जो वेट बेयरिंग है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में वो 75% वेट बेयरिंग कम हो जाएगी. दस पेशेंट में बी एबल टू परफॉर्म वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज और टू वॉक अनअसिस्टेड विद अ नॉर्मल गेट पैटर्न इन अ पूल. सो तो इसमें क्या हो रहा है, जो पेशेंट है वो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज अब खुद से कर पाएगा बिना किसी की हेल्प लिए नॉर्मल गेट पैटर्न के साथ पूल में. When they can perform such activities on dry land with the support of crutches. और अगर ये ही वही पेशेंट को अगर हम देखेंगे तो वही वो क्रचेस के साथ लैंड पे ड्राई लैंड पे वॉक करने के लिए वो क्रचेस यूज़ करेगा, बट वाटर में विद द हेल्प ऑफ बायोन्सी वो बिना किसी असिस्टेंस के बिना किसी वॉकर के चल पाएंगे या खड़े हो पाएंगे. So the velocity dependent resistance provided by water can be used to provide a force against which muscle can work to gain or maintain strength. So with velocity dependent resistance जो water देता है basically resistance water provide करता है, so उसके against अगर muscle को work करवाएंगे तो जो muscle है वो strength maintain करेगी या फिर gain करेगी. If the direction of water flow is adjusted to be in the same direction as the patient motion, the resistance of the water can also be used to aid the patient motion. जिस direction में पानी water flow कर रहा है या पानी बह रहा है उसी direction में अगर movement करवाएंगे तो water जो है assist करेगा motion में, but अगर opposite करवाएंगे तो फिर resist करेगा. Buoyancy can also be particularly helpful for obese patient for whom land-based exercise places extreme stress on weight-bearing joints. Buoyancy help करेगी obese patient को भी जो कि land-based exercise करने में उनको बहुत ज़्यादा stress हो रहा था weight-bearing joints में, but water में buoyancy की help से वो easily exercises कर पाएंगे. Therefore, water-based exercises may be used to restore fitness in obese patient who have difficulty with other forms of exercise. इसीलिए जो obese patient है अपनी fitness को restore करने के लिए water-based exercises करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. जिनको difficulty है बाकी exercise करने में या land पे. The hydrostatic pressure exerted by water has been shown to increase resting muscle blood flow. और जो हमारी बॉडी पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पड़ता है जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, सो उसमें क्या होता है कि जब वो हमारी बॉडी पे लगता है तो मसल का जो रेस्टिंग ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है. दिस इज़ प्रपोज टू बी द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज वीनस रिटर्न प्रोड्यूस बाय द एक्सटर्नल कंप्रेशन प्रोवाइडेड बाई वाटर. सो वाटर जो है वो एक्सटर्नल कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से वीनस फ्लो जो रिटर्न है वो इंक्रीज हो रहा है, अच्छे से वीनस रिटर्न हो रहा है. दिस इंक्रीज इन मस्कुलर ब्लड फ्लो में इम्प्रूव मसल परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एंड एसिलेटिंग द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड दस मे प्रमोट मोर इफेक्टिव मस्कुलर ट्रेनिंग. सो जब मसल का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो जो मसल की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी. कैसे? बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी. ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी ही होगी एंड जो रिमूवल है वेस्ट प्रोडक्ट का वो भी बढ़ जाएगा एंड इस वजह से वो ज़्यादा अच्छे से मस्कुलर ट्रेनिंग को कर पाएंगे जिसकी वजह से जो मसल है वो अच्छे से परफॉर्म करेगी. नेक्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स. अब हार्ट पे कैसे इफेक्ट्स होते हैं हाइड्रोथेरेपी के? सो द कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी आर प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के ही जो इफेक्ट्स हैं वो हाइड्रोथेरेपी में कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स देख पाएंगे. द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द डिस्टल एक्सट्रीमिटीज विद अपराइट इमर्जन इन वाटर डिस्प्लेसेस वीनस ब्लड प्रॉक्सिमली फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज एंड दस एनहेंसेज वीनस रिटर्न बाय शिफ्टिंग ब्लड फ्रॉम पेरिफेरी टू द ट्रंक वेसल्स एंड हेंस टू द थोरैक्स एंड द हार्ट. सो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा प्रेशर लग रहा था जो कि इमर्ज है वाटर में, सो वो क्या है कि वीनस रिटर्न को बढ़ाएंगे. सो जो ब्लड है वो पेरिफेरी से ट्रंक की तरफ जाएगा, थोरैक्स की तरफ जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा, तो ऑफ कोर्स बेटर करेगा, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग करेगा.
दिस इंक्रीज इन कार्डियक वॉल्यूम रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन राइट एट्रियल प्रेशर ऑफ 14 to 18 mmHg. सो कार्डियक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक वॉल्यूम जो है इंक्रीज करेगा राइट आर्टेरियल प्रेशर को 14 to 18 mmHg. To which the heart responds according to Starling's law with an increase in the force of cardiac contraction and increase in stroke volume. So, जब जो heart cardiac contraction होगा heart में contractions होंगे तो stroke volume भी obviously बढ़ेगा. This is according to Starling's law. This results in approximately 30% increased cardiac output over baseline in response to upright immersion up to the neck. तो इसकी वजह से क्या होगा कि 30% जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाएगा अगर नेक तक इमर्जन होता है पेशेंट का तो. एन इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट में इंक्रीज मायोकार्डियल एफिशिएंसी. अब स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट अगर अच्छा रहेगा या बढ़ेगा तो जो मायोकार्डियल एफिशिएंसी है मींस जो हर्ट मसल्स के वर्क करने की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी रहेगी. सो इसमें दिखा रखा है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बॉडी पे लग रहा है जब जो पेशेंट है वो नेक तक इमर्स्ड है वाटर में, देन जो सराउंडिंग विनस रिटर्न है वो इंक्रीज हो रहा है बॉडी में, देन विनस रिटर्न इंक्रीज हो रहा है तो कार्डिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है कार्डिक वॉल्यूम, और फिर वो बढ़ा रही है स्ट्रोक वॉल्यूम. सो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट जब बढ़ रहा है तो जो मसल्स है मायोकार्डियल एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है. रिटर्न इफेक्ट्स. सो इमर्जन ऑफ एन इंडिविजुअल अप टू द नेक इन वाटर हैज बीन शोन टू इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन एंड यूरिनरी सोडियम एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन. सो ऐसे देखा जाता है कि अगर कोई भी पर्सन जो वाटर में इमर्ज है वो नेक तक अगर इमर्ज है तो उस पेशेंट का या पर्सन का जो यूरिन प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा और यूरिनरी सोडियम और पोटेशियम एक्सक्रीशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा बढ़ जाएगा. सो इट इज़ प्रपोज दैट दीज इफेक्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज रिनल ब्लड फ्लो एंड डिक्रीज एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH एंड एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन. सो ये देखा जाता है कि ये जो हो रहा है यूरिन प्रोडक्शन बढ़ना और यूरिनरी सोडियम पोटेशियम एक्सक्रीशन का बढ़ना, सो ये रीनल ब्लड फ्लो के बढ़ने की वजह से हो रहा है और जो एंटी डायबिटिक हार्मोन है वो कम हो रहा है और एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन भी कम हो रहा है. सो इसी वजह से ये सब देखा जा रहा है. वाटर इमर्जन इज थॉट टू कॉज दी सर्कुलेटरी एंड हार्मोनल चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन redistribution of blood volume and the relative central hypovolemia that results from the hydrostatic pressure that water exert on the periphery. So, water immersion जो है वो ये circulatory और hormonal changes कर रहा है क्योंकि जो भी blood volume है उसका फिर से redistribution हो रहा है जो कि सेंट्रल हाइपर वॉल्यूमिया मीन सेंट्रल में जो वॉल्यूम है ब्लड की वो इंक्रीज कर रहा है एंड इसकी वजह से मेन वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से ही ये सब हो रहा है जो कि फेरिफेरी में लग रहा है. दीज रीनल इफेक्ट्स कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद हाइपर वॉल्यूमिया और फेरिफेरल एडिमा. और ये जो रीनल इफेक्ट्स हैं ये एडवांटेज हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनको हाइपरवॉलीमिया है या फिर पेरिफेरल एडिमा है. सो उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. सो इस डायग्राम में दिखा रखा है कि वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है, सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से यूरिन सोडियम और पोटेशियम का आउटपुट बढ़ रहा है एंड जो हार्मोन्स है ADH एंड एल्डोस्टेरोन वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, देन रिजल्ट कर रहा है वो यूरिन के इंक्रीज करने में एंड जो कि रिजल्ट कर रहा है एडिमा रिडक्शन में. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स. इमर्शन ऑफ होल बॉडी इन वाटर इंक्रीजेज द वर्क ऑफ ब्रीदिंग बिकॉज द शिफ्ट ऑफ वीनस ब्लड फ्रॉम द पेरिफेरल टू द सेंट्रल सर्कुलेशन इंक्रीजेज द सर्कुलेशन इन द चेस्ट कैविटी एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन द चेस्ट वॉल इंक्रीजेज रेजिस्टेंस टू लंग एक्सपेंशन दस द वर्कलोड चैलेंज टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट अकर्स व्हेन एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड इन वाटर कैन बी यूज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो जो इमर्ज कर रहे हैं पूरी होल बॉडी को वाटर में
तो वो क्या कर रहा है, वो जो ब्रीदिंग का वर्क है वो बढ़ा रहा है, क्योंकि जो वीनस ब्लड है वो फेफड़े से सेंट्रल सर्कुलेशन में आ रहा है, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी है वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ रहा है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो चेस्ट वॉल पे बढ़ा रहा है रेजिस्टेंस लंग एक्सपेंशन करने का। सो इस वजह से जो ब्रीदिंग का वर्क है वो बढ़ रहा है, इसलिए जो वर्कलोड चैलेंज है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जब एक्सरसाइज हो रही है वाटर में, तो वो यूज़ कर रहे हैं ताकि एफिशिएंसी और स्ट्रेंथ बढ़ा सकें रेस्पिरेटरी सिस्टम का। दस द वर्कलोड चैलेंज टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट अकर्स व्हेन द एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड इन वाटर कैन बी यूज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, सोकिंग इन वार्म वाटर इज़ जनरली रिलैक्सिंग वेयर इज कोल्ड वाटर इमर्जन इज फाउंड बाई मोस्ट पीपल टू बी एनर्जाइजिंग। वार्म वाटर में अगर सोक करना है बॉडी को तो वो रिलैक्सिंग होगा, अगर कोल्ड वाटर में सोक कर रहे हैं तो वो एनर्जाइजिंग होगा। दस वार्म वाटर कैन बी यूज क्लिनिकली टू प्रोवाइड अ कम्फर्टिंग एंड कामिंग इन्वायरमेंट फॉर ओवर स्टिमुलेटेड पेशेंट्स, एंड द एनर्जाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वाटर कैन बी यूज टू फैसिलिटेट मोर एक्टिव एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन बाय दोज हु आर जनरली लेस एक्टिव और रिस्पॉन्सिव। सो वार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं कंफर्टिंग और कामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए उन पेशेंट्स में जो कि ओवर स्टिमुलेटेड हैं, एंड कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं एनर्जाइजिंग इफ़ेक्ट्स के लिए जो कि फैसिलिटेट करता है एक्टिव एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन, मींस कि एक्सरसाइज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पेशेंट्स, वो चीज़ एनर्जाइजिंग इफ़ेक्ट्स जो दे रही है वो कोल्ड वाटर दे रहा है बॉडी को। बाय दोज हु आर जनरली लेस एक्टिव और रिस्पॉन्सिव, उन पीपल में जो कि जनरली लेस रिस्पॉन्सिव रहते हैं या लेस एक्टिव रहते हैं। नाउ यूजेज ऑफ हाइड्रोथेरेपी, सो फर्स्ट यूज इज सुपरफिशियल हीटिंग और कूलिंग। सो हीटिंग और कूलिंग प्रोवाइड करता है, वार्म और कोल्ड वाटर कैन बी यूज क्लिनिकली टू हीट और कूल सुपरफिशियल टिश्यूज। वाटर हैज एडवांटेजेस ओवर मोस्ट अदर सुपरफिशियल थर्मल एजेंट्स, इट प्रोवाइड्स परफेक्ट कॉन्टैक्ट विद स्किन इवन इन वेरी कॉन्टूर्ड एरियाज, एंड इट अलाउज मूवमेंट ड्यूरिंग हीटिंग और कूलिंग। सो एक तो ये परफेक्ट कॉन्टैक्ट दे रहा है एंड मूवमेंट अलाउ करता है हीटिंग और कूलिंग दोनों में ही, और हीट और कूल दे रहा है सुपरफिशियल टिश्यूज़ को। पेन कंट्रोल, सो हाइड्रोथेरेपी इज थॉट टू कंट्रोल पेन बाय प्रोवाइडिंग अ हाई लेवल ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन टू पेरिफेरल मैकेनोरिसेप्टर्स टू गेट द ट्रांसमिशन ऑफ पेन सेंसेशन एट द स्पाइनल कॉर्ड। सो बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे ये जो मैकेनोरिसेप्टर्स हैं वो गेट करते हैं, जिसकी वजह से पेन कम होता है। कोल्ड वाटर में भी कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ पेन बाय रिड्यूसिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सो कोल्ड वाटर भी पेन को रिड्यूस करता है बाय रिड्यूसिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। पेन कंट्रोल में आल्सो रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज वेट बियरिंग एंड इंक्रीज इज ऑफ मूवमेंट एज प्रोड्यूस बाय वाटर इमर्जन। सो वेट बियरिंग भी अगर कम हो रही है और मूवमेंट करने में इजी हो रहा है तो कहीं ना कहीं पेन डिक्रीज हो रहा है। अब एडिमा कंट्रोल में, सो वाटर इमर्जन हैज़ बीन शोन टू रिड्यूस पेरिफेरल एडिमा। सो उसके लिए नॉन इमर्जन हाइड्रोथेरेपी डिवाइसेस आते हैं। वुंड केयर में बेसिकली ये जो हाइड्रोथेरेपी डिवाइसेस हैं वो यूज़ होते हैं। सो वाटर इमर्जन हैज़ बीन शोन टू रिड्यूस पेरिफेरल एडिमा। इट इज़ प्रपोज दैट दिस इफेक्ट इज़ कॉज बाय द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ वाटर एंड रिजल्टिंग चेंजेस इन सर्कुलेशन एंड रीनल फंक्शन। सो ये तो हाइड्रोथेरेपी इमर्जन में, वाटर इमर्जन में एडिमा कंट्रोल में हेल्प करेगा। एंड वुंड केयर में बेसिकली नॉन इमर्जन हाइड्रोथेरेपी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे राइट साइड में डायग्राम में दिखाया गया है। हाइड्रोथेरेपी हैज़ बीन शोन टू एक्सेलरेट द हीलिंग ऑफ वुंड्स ऑफ वेरियस कॉजेज इंक्लूडिंग डायबिटीज, मेलाइटिस, प्रेशर और बर्न्स। हाइड्रोथेरेपी इज़ यूज फॉर वुंड केयर बिकॉज इट्स क्लीनिंग प्रॉपर्टीज टू फैसिलिटेट रिहाइड्रेशन, सॉफ्टनिंग एंड डेब्राइडमेंट ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, एंड रिमूवल ऑफ एक्सोजिनस वुंड डेब्रिस, एंड द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ वाटर इमर्जन एंड द हीट ऑफ वार्म वाटर इम्प्रूव सर्कुलेशन। सो बेसिकली ये सर्कुलेशन इम्प्रूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो हीलिंग है वो उनका वो इंक्रीज़ हो रहा है।
वाटर एक्सरसाइज, वेरियस टाइप ऑफ एक्सरसाइज इंक्लूडिंग स्विमिंग, रनिंग विद और विदाउट अ बेल्ट, वॉकिंग, साइकिल, एर्गोमेट्री एंड अदर फॉर्म्स ऑफ अपराइट एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म्ड इन वाटर. एक्सरसाइज इन वाटर कैन बी यूज टू इंक्रीज सर्कुलेशन, मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट विस्को इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन, टू इम्प्रूव एम्बुलेशन, कोऑर्डिनेशन, कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी कंडीशनिंग एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड टू डिक्रीज पेन, मसल स्पाज्म एंड स्टिफनेस. सो इन सब में जो वाटर में एक्सरसाइज करने से हेल्प होता है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर एंड एक्सरसाइज इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन सर्टेन केसेज बिकॉज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कैन एग्यूमेंट द वैसोडायलेशन, इंक्रीज सर्कुलेशन, decrease joint stiffness, increase joint range of motion and enhance functional abilities that results from exercise. The relaxing effects of immersion in warm water may also improve the psychological well-being of the patient during and after water-based exercise. Because of the buoyancy of the water decreases, the gravitational forces placed on weight-bearing structure, patients with weak limb or load-sensitive joints can often perform strengthening, conditioning and coordination exercises in water that they would not be able to perform on dry land. This can contribute to improve functional mobility and strength. The resistance provided by water during movement can also serve as a force against which muscle can work to develop strength. When applied in the direction of patient movement, can be used to assist weakened muscle in the production of movement. So because hydrostatic pressure provided by immersion in water can facilitate venous return from extremities, circulation may be enhanced during exercise in water compared with similar exercise performed on dry land. सो ये सब हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. अब इंडिकेशंस की बात करते हैं. सो इंडिकेशंस, फैसिलिटेट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, इनिशिएट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, फैसिलिटेट वेट बेयरिंग एक्टिविटीज, एनहेंस डिलीवरी ऑफ मैनुअल टेक्निक्स, प्रोवाइड 3D access to the patient, facilitate cardiovascular exercise, initiate functional activity replication, minimize risk of injury or re-injury during rehabilitation, enhanced patient relaxation. So वो सब indications थे कि कब हमें देना चाहिए hydrotherapy. अब contraindications and precautions for hydrotherapy. So अब कब हमें precaution रखने हैं या फिर नहीं देना है hydrotherapy. So first we will discuss about the local immersion forms of hydrotherapy. Then first is maceration around a wound. So right side mein aap dekh rahe honge, so that is maceration. Immersion hydrotherapy is contraindicated when maceration of intact skin is present around a wound because treatment is likely to increase the maceration and increasing the size of the wound. So in this case mein ye contraindication hota hai because ye maceration jo hai usko increase karta hai aur wound ka size increase karta hai. Next is bleeding. Immersion hydrotherapy should not be applied if bleeding is noted in or near an area being considered for treatment because immersion hydrotherapy may increase bleeding and promoting venous circulation through hydrostatic pressure and may increase arterial circulation as a result of vasodilation if warm or hot water is used. So agar warm or hot water use hoga to wahan pe vasodilation cause karega and uski wajah se wahan pe jo blood hai ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ होगा, इसलिए वहाँ पे ब्लीडिंग इंक्रीज़ हो सकती है. इसलिए वी विल अवॉइड वॉर्म वाटर. इम्पेयर्ड थर्मल सेंसेशन इन एरिया टू बी इमर्स्ड, एरियाज विद इम्पेयर्ड थर्मल सेंसेशन आर एट इंक्रीज रिस्क फॉर थर्मल बर्न्स. सो अगर ऐसा एरिया है जहाँ पे सेंसेशन का नहीं पता चलता है तो वहाँ पे थर्मल बर्न्स होने के चांसेस होते हैं. टू मिनिमाइज दिस रिस्क ऑफ बर्न्स, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बी यूज फॉर हाइड्रोथेरेपी शुड ऑलवेज बी चेक्ड विद द थर्मोमीटर बिफोर द पेशेंट एंटर्स द वाटर. सो वाटर को हमेशा चेक करना चाहिए थर्मोमीटर के थ्रू ताकि वो पेशेंट के लिए हार्मफुल ना हो. इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द क्लिनिशियन चेक द वाटर टेम्परेचर डायरेक्टली बाय प्लेसिंग अ हैंड वाइल वेयरिंग अ क्लीन रबर ग्लव इन टू द वाटर बिफोर पेशेंट एंटर्स. और पेशेंट जब एंटर हो रहा है उससे पहले जो जो भी थेरेपिस्ट है या जो क्लिनिशियन है वो क्लीन रबर ग्लव से वाटर का टेम्परेचर चेक कर लेंगे.
नेक्स्ट इज रीसेंट स्किन ग्राफ्ट्स. सो एक्स्ट्रा केयर शुड बी टेकन व्हेन ट्रीटिंग रीसेंट स्किन ग्राफ्ट्स विद हाइड्रोथेरेपी बिकॉज ग्राफ्ट मे नॉट टॉलरेट द मैकेनिकल एजिटेशन ऑफ अ व्हर्लपूल और मे नॉट हैव अ सफिशियंट वैस्कुलर रिस्पॉन्स टू कंपनसेट फॉर एक्सट्रीम हीट और कोल्ड. देयरफॉर द व्हर्लपूल एजिटेटर शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द एरिया ऑफ अ ग्राफ्ट. सो बेसिकली जो व्हर्लपूल है, व्हर्लपूल टर्बुलेंस कॉज करता है वहाँ पे, देन अलग अलग मोटर वहाँ पे उसमें प्रेजेंट होता है जो कि वाटर को फ्लो में हेल्प करता है. सो वो सब उसका जो डायरेक्शन है वो ग्राफ्ट्स के पास नहीं होना चाहिए, ग्राफ्ट से दूर होना चाहिए. एंड क्योंकि मैकेनिकल एजिटेशन जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा ग्राफ्ट्स और ढंग से वैस्कुलर रिस्पॉन्स नहीं देगा. Therefore, the whirlpool agitator should always be directed away from the area of graft and water with neutral warmth 33 degree to 35.5 degree Celsius or mild warmth 35.5 degree Celsius to 37 degree Celsius should be used in treatment of recent skin grafts. So, ये temperature use करना चाहिए इन cases में. Next is full body immersion hydrotherapy. अब ऐसा में precautions और contraindication देंगे जहाँ पे full body को हम इमर्ज कर रहे हैं. सो फर्स्ट इज प्रेगनेंसी. फुल बॉडी इमर्जन इन अ हॉट पूल शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ मेटरनल हाइपरथर्मिया पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर व्हेन इफेक्ट्स ऑफ हीट आर मोस्ट हैजार्डस टू द फीटस. सो स्पेशली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें मदर को अवॉइड करना चाहिए हॉट वाटर इमर्जन बिकॉज इट मे बी हैजार्डस टू द फीटस. इट विल बी मोस्ट हैजार्डस टू द फीटस, दैट्स वाई विल कॉन्ट्राइंडिकेट इट. फुल बॉडी इमर्जन इन अ पूल ऑफ वाटर ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान में नॉर्मल टेम्परेचर में इमर्ज होना रिकमेंड करते हैं, बट जो हॉट वाटर है वहाँ पे इमर्ज होना पेशेंट के फीटस के लिए, मदर के फीटस के लिए वो हैजार्डस होता है. मल्टीपल स्क्लेरोसिस. पेशेंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस शुड नॉट बी प्लेस्ड इन अ हॉट और वार्म पूल बिकॉज टेम्परेचर अबव 31 डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज फटीग एंड वीकनेस इन दिस पेशेंट्स. सो फटीग एंड वीकनेस दे सकते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में, दैट्स व्हाई उनको हॉट और वार्म पूल में नहीं इमर्स करेंगे. फियर ऑफ वाटर. पेशेंट विद फियर ऑफ वाटर विल जनरली रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन इमर्जन हाइड्रोथेरेपी. फॉर दिस पेशेंट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सच एज इमर्जिंग ओनली द एरिया रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट यूजिंग नॉन इमर्जन हाइड्रोथेरेपी. सो ऐसे पेशेंट्स जिनको डर लगता है पानी से, तो उनके लिए ऑल्टरनेट मेथड है जैसे सिर्फ उतने ही पार्ट को हाइड्रोथेरेपी देना जिसमें रिक्वायर्ड है बाय यूजिंग नॉन इमर्जन हाइड्रोथेरेपी. सो डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जो उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कार्डिक इंस्टेबिलिटी. फुल बॉडी इमर्शन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केसेस ऑफ कार्डिक इंस्टेबिलिटी सच एज अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर बिकॉज इन सच सर्कमस्टेंसेज द हार्ट मे नॉट बी एबल टू अडॉप्ट सफिशेंटली इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन सर्कुलेशन प्रोड्यूस बाय द हाइड्रोथेरेपी टू मेंटेन कार्डिक हेमोस्टेसिस. सो कार्डिक हेमोस्टेसिस के लिए और कार्डिक इंस्टेबिलिटी ना हो और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन ना हो, हार्ट फेलियर ना हो. सो जो हार्ट है वो क्योंकि एकदम से अडप्ट नहीं कर पाता है इन सब केसेस में, तो इसलिए इन सब केसेस में ताकि जो हार्ट का सर्कुलेशन है वो इफेक्ट ना हो, सो हाइड्रोथेरेपी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है. नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस कंडीशंस. सो पेशेंट विद इन्फेक्शियस कंडीशन दैट मे बी स्प्रेड बाई वाटर शुड नॉट बी यूज एनी टाइप ऑफ हाइड्रोथेरेपी इन विच द वाटर इज नॉट चेंज बिटवीन यूजेस. सच पेशेंट शुड नॉट यूज अ पूल बट मे यूज अ हबर टैंक वेयर द वाटर इज चेंज बिटवीन ट्रीटमेंट्स और फॉर फुल बॉडी इमर्जन. सो ऐसे पेशेंट्स जिनको इन्फेक्शन है या फिर ऐसा खतरा है कि जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है वाटर से, सो उनको किस टाइप का हाइड्रोथेरेपी यूज़ नहीं करना चाहिए जहाँ पे दो मतलब जो यूज़ है उसके बाद जो वाटर है वो चेंज ना होता हो, उस जगह पे नहीं यूज़ करना चाहिए हाइड्रोथेरेपी.
या फिर ऐसा वहाँ पे यूज़ करना चाहिए जहाँ पे हबर टैंक यूज़ होता है फुल बॉडी इमर्जन के लिए, या फिर जहाँ पे वाटर जो है वो चेंज होता है ट्रीटमेंट के बाद। नेक्स्ट, बाउल इनकॉन्टिनेंस। सो पेशेंट विद बाउल इनकॉन्टिनेंस में नॉट बी इमर्ज इन वाटर दैट विल बी यूज बाय अदर पेशेंट्स। सो ऐसे पेशेंट जिनको बाउल इनकॉन्टिनेंस है तो वो जो वाटर है वो यूज नहीं होगा बाकी पेशेंट्स के लिए। इन पेशेंट्स विद बाउल इनकॉन्टिनेंस एंड ओपन वाउंड्स केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड कंटामिनेटिंग द वाटर, ताकि वाटर कंटामिनेट ना हो तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। यूज फॉर हाइड्रोथेरेपी एंड दस द वाउंड विद बैक्टीरिया फ्रॉम द पेशेंट ओन फेसेस। तो और घाव में भी जो बैक्टीरिया हैं वो ना आए पेशेंट के ही फेसेस से, तो वो सब भी ध्यान रखना पड़ता है। सीवियर एपिलेप्सी, फुल बॉडी इमर्जन हाइड्रोथेरेपी शुड नॉट बी अप्लाइड टू पेशेंट विद सीवियर एपिलेप्सी बिकॉज सच पेशेंट्स आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ ड्रोनिंग। सो एपिलेप्सी वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें डूबने का खतरा रहता है, इसलिए उनको हाइड्रोथेरेपी नहीं देते हैं। सुसाइडल पेशेंट्स, फुल बॉडी इमर्जन हाइड्रोथेरेपी शुड नॉट बी अप्लाइड टू सुसाइडल पेशेंट्स बिकॉज दे आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ ड्रोनिंग। सो इन पेशेंट्स में भी ड्रोनिंग का खतरा रहता है, इसलिए इनको हाइड्रोथेरेपी नहीं प्रोवाइड करते। लिमिटेड स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, बैलेंस और रेंज ऑफ मोशन। सो ऑल्दो हाइड्रोथेरेपी इज फ्रीक्वेंटली यूज फॉर ट्रीटिंग लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, बैलेंस और रेंज ऑफ मोशन, एक्सट्रीम लिमिटेशंस इन एनी ऑफ दीज एरियाज कैन बी अ सेफ्टी हैजार्ड फॉर फुल बॉडी इमर्जन हाइड्रोथेरेपी। Therefore, for full body immersion hydrotherapy treatment, a patient must have the ability to maintain the head above water, or if unable to do so, must be well and safely secured so as to keep the head above water. Direct hands-on assistance with the therapist in the water can be provided for patients who have difficulty keeping their heads above water. Respiratory problems. Although water-based exercise can provide respiratory and general conditioning for patients with exercise-induced asthma or other breathing problems, water immersion increases the work of breathing and patients with respiratory problems should be carefully monitored for signs of respiratory distress throughout water immersion and treatment. So basically, जो हर्ट है और जो हर्ट पे जो प्रेशर पड़ रहा है इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से, सो वो लंग्स में ज़्यादा वर्क ऑफ ब्रीदिंग करवाएगा। सो इसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स में थोड़ा सावधानी से हाइड्रोथेरेपी देना चाहिए। सम पेशेंट विद अस्थमा में बी सेंसिटिव टू क्लोरीन एंड अदर एजेंट्स यूज टू डिकंटामिनेट एक्सरसाइज पूल्स एंड वर्ल पूल्स, दिस पेशेंट शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड। और ऐसे पेशेंट जिनको अस्थमा है या फिर जो सेंसिटिव है क्लोरीन के लिए या अदर एजेंट्स के लिए, जो चीज़ें डिकॉन्टामिनेट करने के लिए यूज़ होती हैं उन सबके अगर सेंसिटिव हैं तो उन पेशेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करते रहना चाहिए। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी, ड्राउनिंग। सो द मोस्ट सीवियर पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी इज डेथ बाय ड्राउनिंग, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट दैट एडिक्वेट प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू मिनिमाइज दिस रिस्क। सेकेंड इज देन बर्न्स, टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी ऑफ दिस एडवर्स इफेक्ट्स, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर यूज फॉर हाइड्रोथेरेपी शुड बी केप्ट विद इन द अप्रोप्रिएट रेंज एंड शुड ऑलवेज बी चेक्ड विद अ थर्मोमीटर बिफोर द वाटर टचेज द पेशेंट। नेक्स्ट इज हाइपोनेट्रीमिया। इमर्जन हाइड्रोथेरेपी हैज बीन एसोसिएटेड विद हाइपोनेट्रीमिया इन पेशेंट्स विद एक्सटेंसिव बर्न वाउंड्स। हाइपोनेट्रीमिया अकर्स बिकॉज दिस पेशेंट कैन लूज सॉल्ट फ्रॉम ओपन वाउंड्स एरियाज इन टू द वर्लपूल वाटर वेन द सेलिनिटी ऑफ द वाटर इज लेस देन दैट ऑफ द टिश्यूज फ्लूइड्स। सो अगर वाटर में जो सेलिनिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू बॉडी, सो बॉडी में जो वाउंड्स हैं उसके थ्रू जो है सॉल्ट जो है वाटर में चला जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। देन एग्रीवेशन ऑफ एडिमा, इमर्जन ओके। सो हाइपोनेट्रीमिया का सेकेंड पॉइंट है, देयरफोर टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एडवर्स कंसीक्वेंस ऑफ हाइड्रोथेरेपी, सॉल्ट शुड बी एडेड टू द वर्लपूल वाटर व्हेन ट्रीटिंग पेशेंट विद एक्सटेंसिव बर्न और अदर एक्सटेंसिव वाउंड्स। सो ऑलरेडी वाटर में हम ऐड कर लेंगे सॉल्ट को इन केसेस में। नेक्स्ट इज एग्रीवेशन ऑफ एडिमा, इमर्जन इन हॉट और वार्म वाटर हैज बीन शोन टू इंक्रीज एडिमा इन द हैंड्स ऑफ पेशेंट्स विद अपर एक्सट्रीमिटी डिसऑर्डर, एंड दिस इफेक्ट बिकम्स मोर प्रोनाउंस एज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीजेस।
Therefore, to avoid aggravation of edema, only cool water should be used, and dependency of the extremity in the water should be minimized when signs of acute inflammation are present. So cool water use करेंगे and जो extremity है उसको dependency of extremity in water should be minimized. Water में extremity की dependency कम कर देंगे जब ऐसे लगेगा कि acute inflammation के sign present है तो. Last is pool care and safety. Therapeutic pools require regular care and cleaning to avoid Pseudomonas aeruginosa and infection causing folliculitis. Frequent use increases the total organic carbon as well as ammonia and organic nitrogen found in the pool. Cleaning should occur at least twice weekly and chlorine and pH level test should be done twice daily. All walking surfaces near and around the pool should be slip resistant and free of barriers. Water splashes should be dried immediately to prevent slips and falls. Safety rules and regulations are a must, as are emergency procedures, and should be posted and observed by all involved in the therapeutic pool use. Life preservers should be readily available, and at least one of staff member who is CPR certified should be present at all times. So that's all about hydrotherapy and कोई भी queries, कोई भी question है तो आप comments में ज़रूर लिखिएगा. कोई भी doubts हैं comments में mention कीजिएगा. And I hope ये video ने आपको बहुत सारा information दिया होगा hydrotherapy के बारे में, उसके indications, contraindications, uses, physiological effects and safety. So thank you so much for watching this video. अगर वीडियो अच्छा लगा है तब भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.